इसके टेस्ट में फेल हो गई। क्या हमने तेरे को इस दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया अनन्या? तुमने तो हद कर दिया अनन्या। थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है यार। अब आंसर शीट पे मम्मा के साइन कर लो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही, गुड आइडिया सुनाया। इससे मम्मा का साइन भी हो जाएगा आंसर शीट पे और मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। पहले मम्मा की साइन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मुझे क्या पता था मेरा इतना छोटा सा झूठ इतना भारी पड़ जाएगा मेरे पे। मुझे स्कूल से 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या हुआ दीदी, आपको शौक लग गया है क्या? हंस मत सुनाया, मुझे सच में शौक लग गया है। लेकिन हुआ क्या है? तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? नहीं बताऊंगी। तो वो ना मैं साइंस के टेस्ट में फेल हो गई। क्या 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 फेल हो गए? मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। मुझे भी अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी। तो अब क्या सोच रही हूँ कि मम्मा पापा को कैसे बताऊं? आपको तो बहुत डांट पिटेगी। फेल? क्या हमने तेरे को इस दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया अनन्या? तुमने तो हद कर दिया अनन्या। I'm sorry. Sorry? फेल होने की कोई माफी नहीं होती। तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा और तुम 2 दिन तक इस कमरे में बंद रहोगी। चलो रवनी। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ दीदी, कहाँ खो गए? नहीं सुनाया, मैं मम्मा पापा को नहीं बता सकती कि मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। तो अब आप क्या करोगे? झूठ बोलूंगी। हेलो। हाँ पूनम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तू कुछ नया सुना? अच्छा और पता सुन, आज सुबह रमनी कह रहे थे कि ना मेरे रात को फ्रेंड्स आ रहे हैं तो डिनर बना लेना। मैंने तो बोल दिया ना बाबा ना, मेरी ना आज तबीयत बहुत खराब है। तो और क्या, 10-10 लोगों का खाना कौन बनाएगा? मैं नहीं बना सकती। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है यार। थोड़ा बहुत झूठ चलता है? मम्मा? अच्छा चल, मैं देखो थोड़ी देर में करती हूँ। हाँ जी बेटा बता। मेरा ना साइंस का रिजल्ट आ गया। अच्छा बताओ बताओ कितने आए? 42 out of 50। नॉट बैड बेटा, लाओ आंसर शीट दिखाओ। वो स्कूल में रह गई। कोई बात नहीं, चलो जाओ। अनन्या। हाँ जिया, क्या हुआ? तू भी साइंस की टेस्ट में फेल हुई है ना? हाँ यार, मुझे तो घर पे बहुत डांट पड़ी, तुझे नहीं पड़ी क्या? नहीं, मैंने झूठ बोल दिया। मैंने बोल दिया कि मेरे 42 out of 50 आए हैं और मेरी आंसर शीट स्कूल में रह गई। अच्छा, पर हमें तो अपने पेरेंट्स से आंसर शीट साइन करानी थी, तो तू कैसे कराएगी? वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। Later. दीदी अब आपने इतने सारे झूठ बोल लिए हैं तो आपको एक और झूठ बोलना पड़ेगा। वो क्या? आप मम्मा को सारी बात बताओगे तो आपको डबल डांट पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ? आप आंसर शीट पे मम्मा के साइन कर लो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही, गुड आइडिया सुनाया। इससे मम्मा का साइन भी हो जाएगा आंसर शीट पे और मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। पहले मम्मा की साइन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। चिनाया, ये वाला साइन ठीक लग रहा है क्या? इसमें पी और यू में हल्का सा गैप कम करो।
ठीक है। अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब हम सीट पे साइन कर लेती हूँ। ठीक है। Later. अरे ये देखो ना, ये कोई नई मूवी आई है, देखने चले। हाँ, देखने चलते, चलो चलो चलो। अच्छा, मैं जब सुबह से तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, खाना बना दो उनके लिए, तब तो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, नए से नए बहाने निकल रहे थे, अब मूवी देखने चले। नहीं नहीं, मैं सच कह रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। भगवान, मेरा झूठ मेरे पे ही भारी पड़ गया, मुझे पिक्चर देखने भी नहीं आई है। रीटिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। रमीक, रमीक सुनो ना, रमीक। The next day. दीदी, आज स्कूल में क्या हुआ? आपकी टीचर को पता तो नहीं चला कि आपने मम्मा का फेक साइन किया है? नहीं, उन्होंने वो ने फेक साइन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जो बच्चे फेल हुए ना, उनकी पेरेंट्स को स्कूल बुला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं खुद के झूठ में ही फंस चुकी हूँ, और अब बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। अब आप क्या करोगे? मैं मम्मा को स्कूल नहीं लेके जा सकती। जो होगा वो देखा जाएगा। उनी, अगर तुमने खाना नहीं बनाना था, तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं था, तो तुम मुझे सीधा सीधा बोल देती ना, तुमने झूठ क्यों बोला? रमनीक, मेरी ना बात सुनो ना, मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया, मैंने इतना सोचा थोड़ी ना, बस ऐसे ही बोल दिया ना। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस झूठ की वजह से मैंने मेरे दोस्तों को घर आने से मना कर दिया, और अब वो सारे के सारे मेरे से कितने नाराज हैं। मुझे क्या पता था मेरा इतना छोटा सा झूठ इतना भारी पड़ जाएगा मेरे पे। 3 days later. दीदी, आपके टीचर ने मम्मा को कब स्कूल बुलाया था? कल बुलाया था शनाया, बाकी सब बच्चों के पेरेंट्स आए थे, बस मेरे ही नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा। ये ना दीदी, कोई मेल आई है। मेल? ओह गॉड, क्या हो गया? मुझे स्कूल से 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। महाकंजूस पत्नी पार्ट 2 न्यू सीजन लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 13 13 पे। गाइस, इस बार तो मामा ने कंजूसी की हद